हाय, जैसे कि आज आपने थंबनेल पे देखा है, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर हमें बताइए कैसे हम हमारा बेली फैट कम करें। इसके ऊपर भर भर के मेरे पास कमेंट थे और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग जो हैं जो पूछ रहे, सर हमें हर्बल लाइफ से हम वेट लॉस तो हमने कर लिया है, 10 किलो कर लिया है, 15 किलो कर लिया, बट अभी इस बेली फैट का क्या करें। तो इस वीडियो के अंदर अब इन डेप्थ जानने वाले हैं कैसे हमारा ये बेली फैट हटाएं, क्योंकि बहुत वेट कर रहे थे लोग। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, समझना है। जो आप वेलनेस कोच है या फिर आप कस्टमर हैं जो अभी अपनी वेट लॉस की जर्नी में है और आपका बेली फैट नहीं जा रहा है, तो इसको हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले, जैसे कि मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं आपको सिर्फ एक ज्ञान ना दे दूं कि ऐसा कर लीजिए, इससे अच्छा पहले हम चीजों को समझें और फिर हम उसके ऊपर काम करें। एक और जो क्वेश्चन रहता है इसके अंदर हम और करेंगे कि भैया वेट लॉस तो जो हमारा बेली फैट नहीं हट रहा है, अभी वेट लॉस तो हो गया, बेली फैट नहीं जा रहा, तो हम अब कौन सा हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट हम स्टार्ट करें और कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे कि हमारा बेली फैट जाए। तो इसके ऊपर आज हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे हर चीज़ को। देखिए, एक समझिए कि आप कैसे हम इस चीज़ को लें कि सपोज़ आपका 10 किलो वेट लॉस हो चुका है और आपने बहुत अच्छा रिजल्ट भी आप बना रहे हैं, 2 महीने में आपने 10-12 किलो कर लिया। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि जैसे ही हम वेट लॉस करते हैं तो हमारे बॉडी में अच्छा तो लगना स्टार्ट होता है, लेकिन देखिए 2-3 तरह के लोग होते हैं जो कोई कोई चाहते हैं कि सर हमारा वेट लॉस तो होना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ हमारा फिगर भी अच्छा होना चाहिए, और वो लोग क्या करते हैं अपने पेट को देखते हैं कि सर हमारा बेली फैट ही नहीं जा रहा, अब दिक्कत तो वहाँ स्टार्ट हो जा रही। तो हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि आपका बेली फैट क्यों रह गया है। इसके सबसे मेन 2 वजह हैं बेली फैट के। एक वजह है आपके खाने के, आप चेक कीजिएगा कि आपके खाने के अंदर आप क्या कर रहे होंगे, नमक की मात्रा आपकी ज़्यादा होगी। सपोज़ आपने देखे भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो क्या करते हैं, जो सब्जी बनी है या फिर जो भी खाना बनाया ना उसके अंदर ऊपर से भी नमक डालते हैं, मतलब जो नमक पहले से डल चुका है उसके अलावा भी नमक डालते हैं, मतलब कि उनको नमक ज़्यादा खाने का शौक होता है। तो शायद आपके जो डाइट के अंदर आप एक्स्ट्रा नमक खा रहे हैं, आयोडीन ज़्यादा जा रहा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी दिक्कत क्या होती है कि किसका बेनिफिट रह जाता है, जो इंसान पानी कम पीता है, ये बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि मैं मेरे कस्टमर को बहुत स्ट्रिक्टली ये चीज़ पानी वाली चीज़ें फॉलो करा, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार वो 5 किलो 10 किलो कर लेंगे लेकिन जब उनका पेट रह जाएगा तो बोलते हैं ना कि वो सेटिस्फेक्शन वाली जो चीज़ होती है ना वेट लॉस करने की, कि हाँ यार बहुत अच्छा शरीर बन गया, तो वो नहीं आती क्योंकि बेली फैट अभी भी दिख रहा है। तो पानी का जो आपका इंटेक सही नहीं है तो भी ये दिक्कत आती है। अब ये होता क्या है, इन दोनों की वजह से आपके बॉडी के अंदर क्या होता है, वाटर रिटेंशन हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आपके बॉडी में है ना जो गंदा पानी रह जाता है, मतलब आपने वेट लॉस कर लिया, फैट लॉस कर लिया, लेकिन गंदा पानी अभी भी जमा है। अब वो गंदा पानी दिखता क्या है, 2-3 जगह दिखता है। एक तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा, जैसे ये चीन है आपकी यहाँ दिखेगा, दूसरा आपके पेट में जमा हो जाएगा, प्लस आपके ये जो हाथ हैं, ये जो बाजू हैं, यहाँ पे लटक जाएगा फिर जांगे, तो ये एक मेन मेन जगह है। लेकिन सबसे मेन जो आपके शरीर में जो दिखता है ना, वो दिखता है आपका यहाँ पे पेट पे। तो यहाँ पे क्या होता है, गंदा पानी जमा हो जाता है, मतलब कि वाटर को क्या करता है हमारा बॉडी, क्योंकि आपने पानी कम पिया तो उसने बॉडी को रोक लिया, पानी को रोक लिया, लेकिन उसको बॉडी को ये नहीं पता है कि ये पानी कौन सा रोक रहा है। अब उसको जो पानी मिला है वो गंदा पानी मिला तो भी वो रोक लिया, तो अब वो क्या है कि वो गंदा पानी आपको क्या दिख रहा है, आपका जैसे ये पेट और ये सब चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाती है और वो बड़ी दिक्कत करती। तो इसके लिए क्या किया, हर्बल लाइफ ने एक बहुत अच्छी टैबलेट निकाली है जिसको बोला जाता है सेल्यूलोस। आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे सेल्यूलोस की टैबलेट, आपके वेलनेस कोच ने भी आपको बहुत बार सजेस्ट किया होगा। तो सेल्यूलोस ऐसी एक टैबलेट है जो आपको मदद करती है आपके बॉडी में से जो गंदा पानी है, जो एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा जो गंदा पानी है उसको निकालने में मदद करती है, वो भी प्रॉपर डाइट के साथ। अब ये आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई हमारा बॉडी क्यों बेली फैट क्यों है, 2 वजह मैंने जैसे आपको बता दिया, और उसका सॉल्यूशन क्या है, एक टैबलेट। सिर्फ टैबलेट नहीं है, हमें थोड़ा बहुत वर्कआउट भी करना पड़ता है, लेकिन टैबलेट एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपका गंदा पानी निकालने में। अभी इसके लिए हम कैसे करें, एक जो सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रही है वो क्या करती है कि इस टैबलेट का लोगों को टाइमिंग ही नहीं पता है। कुछ लोग जो मेरे साथ बात करते हैं, मेरी टीम के साथ बात करते हैं, मेरे पास जब रिपोर्ट आती है वो बोलते हैं कि सर लोग मॉर्निंग में एफ्रेश के साथ सेल्यूलोस ले रहे हैं। मैं बोलता हूँ यार इतनी बड़ी, आप जब इस सेल्यूलोस को पढ़ेंगे ना, आप सही से पढ़ेंगे पीछे के कैसे इसको यूज़ करना है, इसको आपको आफ्टर मील यूज़ करना है, इतना सिंपल सिंपल चीज़ें लिखी हुई, हम उसको भी कभी कभी क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सही समय क्या है इसका और कितनी लेनी है। जो आप ऐसे हैं जो अभी आपके पास सेल्यूलोस है और आपका 5 ऐसा कुछ वेट कम हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है आपकी जो भी मील होती है, अब मील किसको बोलते हैं, मॉर्निंग का शेक हो गया आपका, लंच हो गया और डिनर हो गया, आपको
रिकमेंड जो करी जाती है वो दिन में 3 टैबलेट करी जाती है, और वो भी आफ्टर मील। मैं मेरे कस्टमर को जो रिकमेंड करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जो मॉर्निंग का आप जो शेक ले रहे हैं उसके 20 से 40 मिनट बाद आप इस टैबलेट की एक गोली लेनी है आपको, ठीक है, पर एक गोली। आपको लंच के बाद, आपका लंच हो गया, उसके 20 से 40 मिनट बाद आपको आपको सेल्युलोज की एक टैबलेट लेनी, और रात को भी वही डिनर के बाद आपको 20 से 40 मिनट बाद एक सेल्युलोज की टैबलेट लेनी, और ये इनफ है, इससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम सेल्युलोज ले रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो क्या कर रहा होता है, वो तभी भी इंतजार कर रहा है कि यार ये पानी पीता कि नहीं पीता है। तो आपको एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे कि सेल्युलोज के बाद आपको कंपलसरी आपके जो बोलते हैं ना वाटर जो इंटेक है ना उसको प्रॉपर करना है। तो कितना कर सकते हैं, सपोज आप 80 किलो के हैं तो कंपलसरी आप वही 4 लीटर पानी आपका बॉडी में जाना चाहिए। ये चीज़ आप स्ट्रिक्टली लिख लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप पानी नहीं पियेंगे होगा क्या, सपोज आपने सेल्युलोज ले ली और वापस हमारी वही आदत है कि हम पानी नहीं पी रहे, और तो क्या करेगा हमारा बॉडी, क्या करेगा जो उसको बॉडी में जो पानी मिला है ना उसको रोक के रखेगा। अब इसका रीज़न क्या है, नॉर्मली रीज़न क्या है कि हमारा बॉडी 60-70% पानी से बना हुआ है, हमारा जो वजन है वो क्या है, वाटर का वजन है, तो हमारा बॉडी को क्या चाहिए, पानी हमेशा चाहिए। तो वो बहुत स्मार्टली काम करता है, लेकिन इस जगह हम स्मार्टली काम नहीं करते, हम क्या करते हैं इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी सेल्युलोज ले रहे हैं, आपका सेल्युलोज कब लेना है वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ, लेकिन जब भी ले रहे हैं आपको एटलीस्ट 4 लीटर पानी आपका बॉडी में जाना चाहिए, अदरवाइज सेल्युलोज आपको काम नहीं करेगा। मैंने बहुत ऐसे कस्टमर से बात करी है जो साल भर तक सेल्युलोज लेते लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं है। तो मैं सपोज आप ऐसे इंसान है जो अभी भी ये गलती कर रहे हैं तो चेंज कर लीजिए, और सपोज आप ऐसे वेलनेस कोच हो तो आप अपने कस्टमर को भी ये वाली बता सकते हैं चीजें, जिससे कि उनका बहुत अच्छा रिजल्ट बनेगा। एक और चीज जो मैं यहां से बात करूं कि अब हमें लेना कब है, यहाँ पे भी बहुत सारी दिक्कत है, बहुत ऐसे लोग हैं जो इस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप सोचिए कि लोग क्या कर रहे हैं, पता है कि फर्स्ट महीने में ही सेल्युलोज दिए जा रहे हैं। अब मैं बोलता हूँ कि हाँ, मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, सर हमें फर्स्ट महीने आप सेल्युलोज दीजिए हमारा बेली फैट चला जाएगा। आप ये सोचिए कि आपकी बॉडी में से कुछ जाएगा नहीं, तो वो कहाँ वो आपका बॉडी वाटर को रिटेन करेगा। अभी तो उसने रिटेन किसको करा रखा है, आपका वजन को और आपके फैट को। तो सबसे पहले वार किस पे होगा, आपके वजन और फैट पे। जब आपका 5 से 8 किलो वजन जब घट जाता है तब बारी आती है उस गंदे पानी की। अब आपने कुछ वजन घटाया नहीं और आप बोले जा रहे हैं कि नहीं मेरा फैट कम करना है, सॉरी बेली फैट बेली घटानी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक नॉर्मल सा नॉलेज रखिए, जब तक आपका मिनिमम 5 किलो वेट लॉस नहीं हो जाता और मैक्सिमम 8 किलो नहीं हो जाता, 5 से 8 किलो आपको सेल्युलोज मैं रिकमेंड नहीं करता। क्योंकि हाँ, आप सपोज ले रहे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं, क्योंकि सप्लीमेंट है, हर्बल लाइफ एक सप्लीमेंट कंपनी है, वो तो नुकसान नहीं कर रहा, लेकिन आपको बेनिफिट भी नहीं कर रहा है। तो एज अ मैं एक वेलनेस कोच मैं आपको ये राय दूंगा, सपोज हमारा बजट बहुत अच्छा है तो आप ले सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है कि आपको कुछ नुकसान हो जाएगा। लेकिन सपोज आप ऐसे इंसान हैं जो बजट में रह के अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि 5 किलो का वेट कीजिए, उसके बाद इसको स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आप जो चीज ले रहे हैं ना उसका आप बेनिफिट ले पाए। क्योंकि बहुत ऐसे चीजें आती है मेरे पास, बोलते हैं कि सर हम तो सब प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब मैं बोलता हूं कि जब आपको चीजों की पता ही नहीं है कि कब कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए और आप उसे ले जा रहे हैं, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सेल्युलोज को जैसे मैंने बताया उस तरह से आप उसको यूज कीजिए, और कब करना है वो भी मैंने आपको यहां पे बताया। एक और चीज, जो सपोज आप ऐसे इंसान हैं जो आप देख रहे हैं कि सर नहीं मुझे मेरा बहुत बेस्ट रिजल्ट बनाना है, मतलब बोलते हैं ना हमारे हर्बल लाइफ में बोलते हैं वाओ रिजल्ट बनाना है, तो वाओ रिजल्ट कब बनेगा, जब इस टैबलेट को आपके डाइट को अच्छे डाइट प्लान को आप फॉलो करेंगे अपनी एक्सरसाइज के साथ। अब एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो शरीर बनेगा वो बहुत शानदार बनेगा, आपका जो फिगर आएगा वो बहुत बढ़िया आएगा। तो अभी इसके अंदर कौन सी कर सकते हैं हम एक्सरसाइज, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ 3 से 4 आप एक्सरसाइज अपना दिमाग में रखिए। सबसे पहली जो एक्सरसाइज जो आपको बहुत मदद करेगी अभी बेली फैट को कम करने के लिए, वो है आपका प्लैंक। तो इस चीज़ को हमें करना है, प्लैंक का आपका जैसे भी जो भी आपके वेलनेस कोच उनसे पूछे कितने के क्या सेट लगाने हैं वो आपको पूरा गाइड करेंगे। प्लैंक आप रखिए अपनी एक्सरसाइज के अंदर, आप सिटअप्स रख सकते हैं, थर्ड एक्सरसाइज आप क्रंचेज रख सकते हैं, क्रंचेज भी बहुत हेल्प करते हैं, और फोर्थ बहुत फेवरेट एक्सरसाइज जो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है वो है माउंटेन क्लाइंबिंग। तो ये 4 एक्सरसाइज अपने एक्सरसाइज के अंदर ऐड कीजिए, आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अभी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सपोज
कि हम चाहते हैं कि सर हमें भी इसका पूरा नॉलेज चाहिए, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का लिंक है, मोबाइल नंबर का, व्हाट्सअप का लिंक है, वहाँ जाइए, उनसे आप पूछिए, सपोज वो आपको बहुत अच्छी हेल्प कर पाएंगे। और सपोज जो आप ऐसे चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास थोड़ी बहुत कंप्लेन आ रही है सर आप आंसर नहीं देते, कमेंट के आंसर नहीं देते, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने आज क्या करूँगा, इस डिस्क्रिप्शन में एक इंस्टाग्राम का हैंडल भी दे दूंगा, जो सपोज आपका वन लाइनर कोई क्वेश्चन है, वन लाइनर कोई आपको डाउट लग रहा है या फिर ऐसा कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, वहां मैं कोशिश करता हूं कि एक लाइन में मैं भी आपको आंसर दे दूं, जिससे कि आपका जो भी सपोज थोड़ा बहुत डाउट चल रहा है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो यस, एक और चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप कोशिश कीजिए, क्योंकि एक मेरे पास बहुत अच्छा एक मैं सोच रहा था कि आज सपोज आप एंड वीडियो तक है तो मैं आपको एक शेयर करना चाहता हूं चीज, क्योंकि शायद आप एंड तक है तो मेरे लॉयल बोलते हैं ना व्यूअर्स है, तो मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि मेरे पास कस्टमर का एक अभी एक मैसेज आया था, उन्होंने बोला सर आपके जब हम वीडियो देखते हैं ना तो हमें ऐसी फील आती है कि हम खुद भी वेलनेस कोच बन गए। तो मैं उनको कांग्रेचुलेशन बोलता हूं जिनको ये फील आती है कि यार सर हम भी वेलनेस कोच बन, जैसे हमें भी फील आती है कि हम भी इतना नॉलेज रखने लगे, क्योंकि आप इन डेप्थ में चीजें बताते हो, समझाते हो, फिर आप शेयर करते हो। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो सपोज आप ऐसे इंसान है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो समझ में आ गया तो आप अपने घर को स्वस्थ कीजिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि एक इंसान है, मुझे जब मैंने ये नॉलेज लिया तो मुझे लगा कि यार मैं मेरे कस्टमर को फायदा रहा, मैं क्यों ना यूट्यूब पे जाके मैं लोगों को फायदा। तो आपको सपोज ऐसा लग रहा है कि आप भी इस चीज में बहुत अच्छे हो गए, तो प्लीज आप अपनी फैमिली को हेल्दी रखना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि बोलते हैं ना कि एक फैमिली से दो फैमिली गए और हम सब स्वस्थ हो पाएंगे। यस, एक और लास्ट में, जो सपोज आपको ये वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि इसमें कुछ वैल्यू है, प्लीज आप लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे आप सपोज नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए,